अलवर शहर में दीपावली के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में रोड लाइट ना जलने के कारण भाजपा समर्थित पार्षदों ने नगर परिषद के गेट को बंद कर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नगर परिषद बोर्ड व नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, पिछले एक साल हो गया यहाँ का बोर्ड बने हुए और उसके बाद से लगातार नगर परिषद के जो काम होते हैं, रोड लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, आवारा पशुओं को हटाना शहर से, इस तरह छोटे छोटे बहुत से काम एक साल से लगातार बार बार शिकायत करने के बाद, बार बार विरोध करने के बाद, बार बार लिखित में देने के बाद सभी पार्षद परेशान हैं। कांग्रेस के पार्षद भी परेशान हैं, ये नहीं कि उनके काम हो गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा ये चेयरमैन जो जब से यहाँ पर बैठी है, कांग्रेस के यहाँ पर मंत्री हैं, क्या उनकी सह क्या जो काम नहीं करने दे रहे। यहाँ मौजूद पार्षद सतीश यादव व उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने कहा, यहाँ भ्रष्टाचार के चलते सारे काम रोके हुए हैं। ऐसे में दिवाली पर जहाँ पूरी लाइटें जलनी चाहिए, वहीं आधा शहर अंधेरे में पड़ा है। देखो, पार्षदों ने यहाँ कई रोज से शिकायत लेके आ रहे हैं कि लाइटें, और दीपावली का त्यौहार आ गया नज़दीक, लाइटें नहीं लग पा रही हैं। सारे पार्षद परेशान हुए पड़े हैं, यहाँ आते हैं तो कोई सक्षम अधिकारी मिलता नहीं है, चेयरमैन यहाँ मिलती नहीं है, मजबूरन हो गए। अब आज इन्होंने प्रत्येक इसमें जाकर देख लिया, कोई अधिकारी इनकी सुनने वाला नहीं है। तो कृपया करके आप इस नगर परिषद की तरफ ध्यान दीजिए, से आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।